मॉर्निंग। और गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से आउट ऑफ सिटी। और गाइस मैं आज थोड़ा सा जल्दी भी उठ गया था और इधर उधर का जो भी काम करके पड़ा था सबको निपटा दिया हूँ गाइस। और अभी मैं लिफ्ट में आ गया हूँ, सब बुआ जी से मिल गया हूँ और अभी फटाफट चलना है यहाँ से बाहर। और अभी रेलवे स्टेशन, आज मेरा ट्रेन भी है 1 बजे। और अभी बारिश तो नहीं है, मौसम तो ठीक है, ले लेते हैं क्योंकि लेट हो रहा हूँ मैं और 1 बजे की ट्रेन है तो आ गया ऑटो। और अभी चलते हैं यहाँ पे फटाफट से ऑटो से और थोड़ी सी सामान भी है यहाँ पे, चल लेते हैं। गाइस एक ऑटो मिल गया, बहुत सारे ऑटो को रोका सब मतलब जो मिला नहीं। और अभी फटाफट से चल लेते हैं मेट्रो की ओर। अभी देख रहे हो आप लोग 11:30 बजे जो है, थोड़ा सा लेट हूँ मैं आज, बट क्या करते हैं कुछ तो काम रहता तो उसको जाना पड़ता ना गाइस। और मेरा क्या है कि पूजा बैग लेकर के निकल सुबह सुबह और मैं देख रहा हूँ मैं स्कूल लेकर जा रहा हूँ, कई भैया को बुला लिया हूँ और वहाँ से लेकर मैं सुबह शुरू कर लेंगे जाने को। तब हो रहे तो 3:30 बजे यहाँ से जाते जाते माने लग गया ये कैरी बैग है और ये है सब पेपर का, तो सब बीच में ये रह जाएगा, तो इसी वजह से क्या करना है ना अभी चलते हैं मेट्रो। हम लोग चल रहे हैं वो क्या सारा कुछ मेट्रो में और हम सब लोग रिचार्ज मैंने करवा लिया है और फिर चलते हैं मेट्रो में क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, 11:30 होने वाले हैं, 12:00 और मेट्रो में देखते कितना टाइम लगता है गाइस। यहाँ मेट्रो 4 मिनट बाकी और देख रहा गाइस पसीने की चीज़ चल रहा है, बहुत भागते भागते भी आ रहा हूँ जा रहा हूँ। अभी देखो मेट्रो भी आया नहीं है, इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं, आता है तो अभी 11:38 हो गए, आप लोग देख रहे हो। तो गाइस मेट्रो में ऐसा सीन हो गया, देख रहे हो पेपर बैग में यही एक दिक्कत होता है कि ज़्यादा ठंडा या कोई चीज़ रहे तो ऐसे गिर जाता, तो मुझे ध्यान था गाइस इस वजह से मैं कंसंट्रेट करके रखा हुआ था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, ऐसा होने वाला है इसी वजह से सेफ्टी थोड़ा लेकर के चल रहे हैं। और ये भैया का इंतज़ार कर रहा है तो अभी भैया आते हैं उसके बाद पैदल लेकर के फिर चल रही है। आ गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, आप लोग को दिखाऊं तो ये देखो हमने बैग ले लिया है, देखो लटका के रखा हूँ और फिर से एक नया कैरी बैग आ गया है सामान था। और यहाँ पे मैं जल्दी से अपना सामान को सिक्योरिटी चेकअप करवा लेता हूँ गाइस क्योंकि यहाँ पे करवाना ज़रूरी होता है। और देखो लाइन भी थोड़ी सी आज कम लगी हुई है और लेट अभी नहीं हुआ हूँ गाइस, अभी थोड़ा सा टाइम मेरे पास मांग के भी देखो तो आप लोग 12:30 बजने को है तो टाइम अच्छा खासा अभी मेरे पास में, आराम से कोई दिक्कत नहीं जाता हूँ। और मैं अभी डाल देता हूँ सामान को, चेक हो गया है गाइस हमारी यहाँ पे ट्रेन आ गई है और हम लोग ट्रेवल आज करने वाले हैं दिल्ली टू दरभंगा, तो आज अपने होम टाउन दरभंगा जा रहे हैं गाइस बिहार। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइस भीड़ हो रखी है आप लोग देख रहे हो, तो इतना नहीं है थोड़ा सा आज देखा जाए तो कम भीड़ है। और यहाँ पे देख रहे हो गाइस कैसे लोग भागते आते जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी हम लोग इंतज़ार करते हैं क्योंकि हमारा टिकट कन्फर्म नहीं है। और गाइस अभी हम लोग आ गए हैं ट्रेन में और कुछ ऐसा से है इंटीरियर अंदर का होते हैं तो अभी देखते हैं कौन से सीट पे बैठ सकते हैं। गाइस लंच का भी टाइम हो गया और यहाँ पे मैं कुछ लंच लेके आया था जल्दी जल्दी में, तो अभी खा लेते हैं फटाफट से इसको। तो गाइस अभी 3 बजने वाले हैं 4 बजने वाले आए थे और अभी इतना ज़्यादा गाइस ट्रेन का आवाज़ चल रहा था ना, महसूस नहीं कर पाया तो। और अभी देखो यहाँ पे टाइम पीछे हो गए हैं और अभी स्टेशन पर अभी शायद से रुकने वाले हैं। और ये हमारा फ्यूलिंग रहा और इधर देखो गाइस इधर में ये बालकनी वगैरह रहा, काफ़ी यहाँ पर क्या है सफ़र हम दिखाते हैं आप क्या क्या सफ़र कर लिए हमारे इस जर्नी में गाइस, क्योंकि तो कन्फर्म है नहीं गाइस, तो देखते हैं जर्नी कैसी हमारी गुजरती है इस वाले। आप लोग लास्ट ब्लॉग में गाइस बने रखे थे और अभी देखो हम लोग रुकने वाले हैं कहीं से, तो अभी सारा कुछ खाना पीना हो गया है और यहाँ पे अब चल लेते हैं बैठते हैं। ए सी अंदर में बाइक इतनी ज़्यादा अच्छी कर के रखी है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है तो पैर में हाथ में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, अब कहीं तो बैठना पड़ेगा तो उसके लिए भाई की बात हो जाएगी, कहीं की बात लगाते हैं। और अभी क्या है देखो अभी उधर में कोई है नहीं और हम लोग अभी चलते हैं अंदर की ओर में, हम उसके बाद देखते हैं क्योंकि मेरा सारा बैग भी गाइस अंदर में है और यहाँ पे देखो बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं।
ये कुछ जो है मशीन कंट्रोल होता है यहाँ का, जो कि आप एसी वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। और गाइस ये क्या है, बहुत बड़ी मशीन लग रही है। शायद से तो लग रहा है क्या पटरी बिछाने का काम जो होता है ये मशीन से होता है। मुझे पहले लगता था कि हाथ से लेबर लोग करते हैं गाइस, बट यहाँ पे क्या है कि मशीनों से हो रही है। और कोई तो ये स्टेशन है शायद नया से बन रहा होगा कुछ भी, तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। और गाइस पानी वाले भैया को भी देखो, वो भी थक के बैठते हैं, मुझे तो थकान हो गई क्योंकि मेरे पास वो चीज नहीं है। और गाइस यहाँ पे शाम भी होने वाली है तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग एक्सप्लोर करते करते आते रिजर्वेशन बॉगी में, और यहाँ पे भाई इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जैसे देखो भाई कैसे, जैसे फूस फूस के बोरे में रखते हैं इंसान को, वैसे ही यहाँ पे फूस फूस करते हैं गाइस बहुत ज़्यादा। और देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, पानी वाले भैया को देखो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं गाइस, तो बहुत ज़्यादा गाइस डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पे रात जो क्या रात में कुछ ऐसा सा व्यू हो जाता है गाइस। और अभी एक हमने बढ़ा दें थोड़ा सा देख सकते हैं, जल्दी हमारा बहुत अच्छा है, चलते हैं बैठने के लिए हम से। 4, 4:30 या 5 बजने वाले होंगे, तो अभी इतनी ज़्यादा मुझे नींद हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। और अभी हम लोग गोरखपुर पहुँच गए हैं, और देखो यहाँ पे सब कोई नीचे में सो के हैं। और अभी हम हाजीपुर आ गए गाइस, और देखो हाजीपुर का केला बहुत ज़्यादा फेमस होता है यहाँ, वर्ल्ड वाइड में भी बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसके लिए फेमस भी है हाजीपुर गाइस। देखो आप लोग यह समस्तीपुर जंक्शन, यहाँ पे सारी स्टॉल लगी हुई रहती है, उस साइड से मैंने देखा है। वैसे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रहता तो मैं आपको समस्तीपुर का अगर जो मार्केट है वो मैं दिखाता, बट अभी मैं आया नहीं वहाँ से, तो इसी वजह से गाइस आपको दूसरे वाले से बहुत जल्दी जाना पड़ जाता है इसी वजह से। और आवाज़ आता है इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा ना, मैं एयरपोर्ट दूसरा वाला रही थी क्या ना, और इस वाले एयरपोर्ट में आवाज़ थी माइक की क्वालिटी सही नहीं है, इसी वजह से। दरभंगा अभी तो फिलहाल लहरिया से आ गए हैं, 1 किलोमीटर है उससे पीछे, और थोड़ा दूर है काफ़ी। ये जर्नी थोड़ा सा वियर्ड रहा, कुछ बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ गाइस, रात को हुआ नहीं सही से, आँख थी जलन हो रही, दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा ही। और अभी हूँ लहरिया से स्टेशन पे, आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस, ये रहा यहाँ का स्टेशन का कुछ, पहले इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बट अब रिनोवेट कर दिया गया, यहाँ पे बहुत अच्छे से बना दिया गया है गाइस। और मैं ज़्यादा ट्रेन में शूट नहीं कर पाया गया इसलिए कि इतना ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था ना, मैं एक वीडियो शूट किया था तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था, तो मैं जिस वजह से यहाँ ट्रेन में कोई भी खाना जो है वो मैं नहीं खाता हूँ, अवॉइड करता हूँ खाना। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन, और ये हमारा रहा अपना डिस्ट्रिक्ट होम टाउन, और कुछ ऐसा सा यहाँ का लुक है गाइस। और गाइस मैं आप लोगों को फिर बाद में दिखाऊंगा, आऊंगा एक्सप्लोर करने के लिए, तो ऐसा कुछ सा है। अभी हम लोग आ गए स्टेशन में, और आज चलने वाले हम लोग गाँव वाले में। गाइस अभी हम लोग घर पे आ गए, देख रहे हो गाइस बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा है और बहुत ही थक गए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो गाइस अभी रात के 1 बजने वाले हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया, वहाँ से आने के बाद मैं फिर से खाया पिया थोड़ी देर और रेस्ट करने के बाद मार्केट चला गया, क्योंकि मैं गाइस यहाँ पे जिस काम से आऊँ उसको काम खत्म करके बहुत जल्दी यहाँ से जाना भी है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा आज थक गया हूँ गाइस लिटरली, मतलब कि 24 घंटे से भी ज़्यादा की ट्रेवलिंग की। उसके बाद में फिर से भाग दौड़ 3-4 घंटे और भी एक्स्ट्रा हुए गाइस, और फिर उसके बाद में बाइक से ट्रेवलिंग करना आप लोग समझ सकते हो गाइस,
बहुत ज़्यादा आ रहा है इस वाले वीडियो में, क्योंकि गाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि वीडियो में एडिट नहीं कर पा रहा हूँ और नॉइस को मैं रिड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ। और अब मैं आप लोगों को बताया था गाइस कि माइक का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना गाइस। और ब्लॉग में लास्ट तक आप लोग जरूर से बने रहिएगा, आप लोगों को मैं जितनी सारी डिटेल हो सके मैं सब आपको कवर करके दिखा रहा हूँ गाइस। और मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इस वाले वीडियो को शूट करने में और ट्रैवल करके आने में, कि अगर आपके पास अगर टिकट हो भी और ना भी हो, और अगर आपके पास में सीट ना हो तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ें मैंने खुद से रियलाइज़ कर रहा हूँ गाइस। और कैसे कैसे करके गाइस रिक्वेस्ट करने के बाद में कैसे करके सीट अरेंजमेंट किया, फिर तब जा कर के कुछ घंटे की नींद लेने के बाद में मैं अभी तक एनर्जेटिक हूँ। और आप लोगों का गाइस इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है ना, और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उस वजह से और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के पास में अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आने का। और गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना गाइस कि, और मैं जनरल और रिजर्वेशन बॉगी में ट्रेवल करके आप लोगों को दिखाऊँ, उसका एक्सपीरियंस बताऊँ या नहीं। गाइस आज मेरा है बर्थडे, मतलब 13 सितंबर, तो कमेंट डाउन। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इंटरनेट यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्लो है ना, और सॉरी गाइस क्योंकि आज वीडियो नहीं आ पाई है, मैं तो आज इतना ज़्यादा थक गया था ना उस वजह से तो नहीं हो पाई। और उससे भी बड़ी वजह है कि इंटरनेट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्लो काम कर रहा है गाइस। तो मैं आप लोगों को यहाँ की एक्सप्लोर करके भी दुनिया दिखाऊंगा कि गांव की दुनिया कैसी होती है। आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए गाइस, और कमेंट करते हुए बताइए कि आप लोग क्या एक्सपीरियंस किए हो इससे पहले ट्रैवलिंग में, और किन किन चीज़ों को आपने रिलेट किया, कमेंट बिलो डाउन। आप इस चैनल पर नए आए हैं गाइस तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे भी गाइस सब्सक्राइब वाला बटन को ठोक देना है, और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे गाइस बनाए रखिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय।